नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सैन हाजिर हूँ आपके लिए फिर से लेकर के कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक का दूसरा पाठ तुलसीदास। पहले हमने सूरदास के बारे में पढ़ा था, सूरदास के सभी पदों के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर जिले के बाना ग्राम में हुआ था और तुलसीदास जी की माता का नाम तुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास थे जिनको नरहरियानंद भी कहा जाता है। तो तुलसीदास जी जब पैदा होते तो कहा जाता है कि तुलसीदास जी के पैदा होते समय कुछ नक्षत्र ऐसे थे जिन नक्षत्रों के कारण उन्हें अमंगल माना गया था और अमंगल होने के कारण और दूसरा उनकी जो शारीरिक बनावट थी वो भी कुछ अस्त व्यस्त थी, जिसके कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था और इनका जो लालन पालन है वो उनकी जो सेविका थी वो मुनिया नाम था उसका। अब जब वो थोड़े बड़े हुए तो नरहरिदास आए और नरहरिदास ने उन्हें दीक्षा ग्रहण की, वो उन्हें अपने साथ ले गए, उनका लालन पालन किया, शिक्षा दीक्षा दी और थोड़े समय बाद उनको उनका विवाह रत्नावली नाम की युवती से हुआ जो कि बहुत ही विदुषी मिंडा है। अब जब रत्नावली से उनका विवाह हुआ तो उनसे इतना मोह हो गया उनको कि उन्होंने उनसे 2 मिनट भी दूर होना उनके लिए दुर्घटना। तो हुआ क्या, रत्नावली एक दिन अपने पीहर गई थी, जब वो अपने पीहर गई तो पीछे पीछे तुलसीदास जी भी उनके साथ, मतलब वो पहले चली गई और बाद में तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे चले गए। तो जब उनका सामना रत्नावली से हुआ तो उन्होंने उनको धिक्कारा धुतकारा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम जितना हो इस शरीर से करते हो, मेरे शरीर से करते हो, इतना हो अगर आप भगवान श्री राम से करोगे तो आपकी सदगति होगी, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अगर आप भगवान राम की भक्ति करते हो, भगवान हनुमान की भक्ति करते हो, उनके चरणों में अपने स्नेह को लगाते हो तो आपको मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा, आपका जीवन। तो उस धिक्कार के कारण तुलसीदास जी का ज्ञान पैदा होता है, उनको आत्मदर्शन होता है और वहीं से वो ये धारण करते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वो भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करेंगे। वो ये प्रण लेते हैं कि वो अपना सारा जीवन जो है भगवान राम को, राम की चरणों की भक्ति में बिताएंगे। अब जब वो राम जी की भक्ति करने लगते हैं तो राम जी की भक्ति करते हुए जब उन्होंने नरहरिदास उनके जो गुरु थे उनसे रामायण की कथा उन्होंने सुनी तो उस रामायण की कथा का आधार बना करके तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया जो कि आज हिंदू समाज में बहुत ही ज्यादा पूजनीय है। उसके प्रत्येक कांड को, उसके जो अध्याय है उनको कांडों में बांटा गया है, इसमें 7 कांड है। रामचरितमानस का सुंदर कांड आज भी हर मंगलवार शनिवार को मंदिरों में बहुत श्रद्धा और भाव से गाया जाता है, घरों में उसका पाठ किया जाता है हिंदू समाज के अंदर। तो तुलसीदास जी जो कि महान हिंदी कवि माने जाते हैं, हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी को चंद्रमा की उपाधि प्राप्त है। मैंने आपको एक बार पहले भी शायद बताया था कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सर्वदास, कि सूर कौन है, सूरदास है, सूर सूर तो हिंदी साहित्य में सूर्य की उपाधि प्राप्त है, तुलसीदास जी शशि यानी चंद्रमा की उपाधि प्राप्त है, केशवदास जो कि रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं उनको जुगनू की उपाधि प्राप्त है और बाकी ये जो कवि है अब के कवि खद्योत है जब तह गर्त प्रकाश, कि अब के जो आधुनिक कवि है वो तो तारागण है जो इधर उधर प्रकाश करते रहते हैं। तो तुलसीदास जी को यहाँ किसकी उपाधि प्रदान की गई हिंदी साहित्य में, शशि यानी मयंक यानी चंद्रमा की उपाधि दी गई। अब तुलसीदास जी का जो महत्वपूर्ण रचना है वो रामचरितमानस है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अतिरिक्त भी बहुत सारी रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 12 रचनाएं महत्वपूर्ण मानी हैं, उनमें से रामचरितमानस तो मैंने बताई दी आपको, इसके अतिरिक्त विनय पत्रिका है, रामलला नहिचू है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, ठीक है, और कवितावली है, गीतावली है, कृष्ण दुहावली है, बच्चों बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि का आधार कौन है, रामचरितमानस। तो ये तो थी तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं इनकी भाषा शैली के बारे में। आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी को अवधी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कवि माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है और अवधी भाषा पे जैसे इनकी पकड़ है अन्य भी कवियों की शायद ही कोई हो, ठीक है। तो तुलसीदास जी का जो काव्य शैली है वो काव्य शैली कैसी है, उनकी जो शैली है वो बहुत ही उत्तम मानी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है और साहित्यिक मानी गई है, ठीक है। आप जो लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़े ये रामचरितमानस के बाल कांड का एक अंश है और इस इन पदों के अंदर, इन दोहों और चौपाइयों के अंदर इन्होंने तत्सम, तद्भव और देशज
सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, आंचलिक शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, मुहावरों का प्रयोग किया है, अलंकारों की बहुत उत्तम दृष्टि है इनके अंदर, अनुप्रास अलंकार आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा यहाँ, और उपमा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये सभी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दी जाऊँगी कहाँ वहाँ पर है। तो हम शुरू करते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों लक्ष्मण परशुराम संवाद इसको क्यों कहा गया है? जब सीता जी का स्वयंवर होता है, सीता जी का स्वयंवर जनक जी उनके पिता होते हैं, तो एक बार होता क्या है कि सीता जी के वहां पर कोई धनुष होता है, उस धनुष होता है शिव जी का धनुष, उस शिव जी के धनुष को सीता जी हंसी खेल में ऐसे मजाक मजाक उठा करके रख देती है, जिस धनुष को साधारण मनुष्य या कोई भी मनुष्य उठाने में असमर्थ होता है, उस धनुष को हंसी खेल में उठा करके सीता जी रख देती है। जब जनक जी ये देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, तो इनके लिए जो वर होना चाहिए वो भी इन्हीं के योग्य होना चाहिए। तो स्वयंवर की शर्त ये रखते हैं कि जो भी वर या जो भी पुरुष इस धनुष को उठाकर इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता जी के लायक वर होगा। तब स्वयंवर हो रहा है सीता जी का, जनक जी ने ये घोषणा करवा दी कि जो भी शिव जी के धनुष को उठा सकता है या तो इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है वही सीता जी का वर होगा। तो जब ये घोषणा हुई उस समय लक्ष्मण और राम विश्वामित्र जी के साथ में वन में राक्षसों का वध करने के लिए आए हुए होते हैं, तो जब उन्हें इस बात का पता पड़ता है तो वो भी सीता जी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आते हैं। सीता जी के स्वयंवर में भाग लेने आए हुए अन्य राजा जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो भी उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल होते हैं, कोई उस धनुष को हिला भी नहीं पाता। तभी विश्वामित्र की आज्ञा पाकर के राम जी उठते हैं और राम जी उठ करके उस धनुष को जैसे ही हाथ में उठाते हैं वो धनुष के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही वो धनुष टूटता है तो बहुत घोर आवाज होती है, बहुत तेज ध्वनि होती है उसके टूटने पर। उस ध्वनि को सुनकर के परशुराम जी का जो ध्यान होता है वो टूटता है और परशुराम जी को जैसे ही पता पड़ता है कि शिव जी का धनुष टूट चुका है तो वो उस सभा में आते हैं जहाँ पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा होता है और वहां आकर के वो अपने शिव जो उनके गुरु होते हैं शिव जी से उन्होंने दक्षिणा ली हुई होती है। तो जैसे ही वो वहां आकर देखते हैं कि शिव जी का धनुष टूटा हुआ पड़ा है तो उनका क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अपने गुरु की जो धनुष उसको टूटा हुआ देखकर उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती। और इसी क्रोध को अग्नि आहुति देने का कार्य कौन करते हैं? लक्ष्मण जी के उत्तर प्रति उत्तर देते हैं। वो जैसे जैसे बात करते हैं वैसे वैसे लक्ष्मण जी उनको उल्टे जवाब देते हैं। और लक्ष्मण और परशुराम संवाद इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बातचीत शैली में लिखा गया, संवाद शैली में लिखा गया है पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखते हैं हम। नाथ संबदन भंजनी हारा होले कई एक दास तुम्हारा। यहाँ पर लक्ष्मण जी सॉरी परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान श्री राम जो है वो उनसे कह रहे हैं कि हे नाथ संबोधन यानी शिव जी का धनुष भंजनी हारा यानी कि तोड़ने वाला, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला हो ही केव एक दास तुम्हारा, कि इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु कहा करिए कहिए कि न मोही, कि आयसु यानी कि आज्ञा। यहाँ पर शंभु धनुष हो गया शिव जी का धनुष, शिव धनुष, ठीक है, आयसु यानी आज्ञा। अब यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है आप कहिए। आयसु कहो कहिए कि न मोही, मोही यानी मुझे, आप मुझे कहिए आपकी क्या आज्ञा है। सुनी रिसाए बोले मुनि कोई, ऐसा सुनकर परशुराम जी यानी कि जो मुनि है वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गए, रिसाई यानी कि क्रोधित हो गए, मुनि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। सेवक सो जो करे सेवकाई, वो कह रहे हैं कौन, परशुराम जी राम जी को उत्तर दे रहे हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अर करनी कर करिए लड़ाई, शत्रु तो शत्रुता का कार्य करके लड़ाई ही करता है, कि शत्रु जो होता है वो शत्रु का कार्य करता है और शत्रुता करने पर उससे क्या किया जाता है, लड़ाई की जाती है, सेवा नहीं। सुनो राम जी सिर धनुरा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है सहस्र बाहु समसोर कुनेरा, सहस्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। अब यहाँ पर आपको सम दिख रहा है, सम कौन से अलंकार की पहचान है, उपमा अलंकार, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। यहाँ पे देखो अरे करनी करी करिए लड़ाई, तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है बच्चों, क वर्ण की आवृत्ति यानी अनुप्रास अलंकार,
ठीक है, यहाँ पे भी का कहीं भी ना होगी तो क क क वर्णों की आकृति हो रही है अर्थात अनुप्रास अलंकार। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, सहस्त्र बाहु सब सूर्य मेरा सहस्त्र बाहु के समान जो मेरा शत्रु है, सो मेरे गाओ बिहाई समाजा, यहाँ पे भी देखो ब और ब, कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार, कि वह उसे समाज से अलग कर दो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है उसे समाज से अलग कर दिया जाए, न तो हमारे जने सब राजा, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा मौजूद हैं, जितने भी राजा उपस्थित हैं, वो सब के सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुसुनाने, मुनि परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर के लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराए, बोले परशु भरे हनुमाने, वो परशुराम जी का अपमान करते हुए शब्द बोले, क्या बोले, बहु धने तो री लड़काई की, हे मुनिवर हमने बचपने में लड़कपन में जाने कितने ही धनुष तोड़ दिए, कबो न असिर इस पी नहीं घुसाए, कि आपने उन पर तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया, हमने न जाने कितने धनुष तोड़ दिए खेल खेल में बचपन में, हम इतने बड़े हो गए हमने तो जा जाने इतने धनुषों को तोड़ दिया, लेकिन उन पर तो कभी आपने गुस्सा नहीं किया, आपको कभी क्रोध नहीं आया, ए धनु पर ममता की है, इसी धनुष पर आपकी ऐसी ममता क्यों है, सुनी रिसाए के रघुकुल के तू, ऐसा सुनकर के रघुकुल के केतु यानी रघुकुल वंश के ध्वजा रूपी परशुराम जी गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर के क्या बोले, रे नृपाल काल बस, हे राजा के बालक तू काल के वश हो गया है, बोलत तो ही ना संभारी, तू बोली संभाल कर नहीं बोल रहा है, क्यों, क्योंकि तू काल के वश हो गया है, धनु ही समति पुराय धनु विदित सकल संसार, की सारा संसार जानता है इस बात को, सारे संसार को ज्ञात है कि ये कोई साधारण धनु ही नहीं है, साधारण धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी शिव शंकर वाला धनुष है, साधारण धनुषों में से नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, लखन कहा हसी हमरे जाना, अब परशुराम जी ने क्या कहा कि रे नृप बालक, रे राजा के बालक तू काल के वश होकर के ऐसी बातें बोल रहा है, तो प्रत्युत्तर में लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, कि हमारे ज्ञान में तो क्या है, सुनो देव सब धनुष समाना, लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं कि हे देव हे मुनि सुनिए, हमारे समझ में तो सारे धनुष एक समान ही है, काच थी लाभ जून धनु तोरे, कि हमें उसको क्या लाभ और क्या क्षति, क्षति यानी हानि होना और लाभ यानी कि कुछ लाभ होना, ठीक है, बेनिफिट होना, तो हमको ये धनुष के टूटने से ना तो कोई लाभ है ना ही कोई हानि है, देखा राम नयन के बोरे, या नयन का मतलब है नवीन नया, कि भगवान राम तो इसे नए के जो मतलब इनको नए का आभास हुआ, ये नया धनुष, और ये नए धनुष को केवल देख ही रहे थे, इतने में वो टूट गया, कि भगवान राम तो इसको नए भर के देख रहे थे, खाली नवीन धनुष को छू करके देख रहे थे, खाली छुआ तो टूट रघुपति ना धनु, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें भगवान श्री राम का कोई भी दोष नहीं है, मुनि भी नकार करिए करो तो, आप तो बिना ही कारण के दोष कर रहे हैं, आप तो बिना किसी कारण के गुस्सा कर रहे हैं, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है, बोले तितर परशु की ओरा, अब ऐसा सुन करके परशुराम जी को और गुस्सा आया, और उन्होंने अपने फरसे की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बोला, रे सट सुने ही स्वभाव न मोड़ा, रे सट रे मूर्ख रे जड़ बुद्धि, किससे कह रहे हैं, लक्ष्मण से कह रहे हैं परशुराम जी की, रे मूर्ख तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, स्वभाव में तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रहा था, बालक बोली बधाओ नहीं तोरी, कि मैं तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान ही हुई, क्या तूने मुझे केवल मुनि जान रखा, अर्थात मैं वेशभूषा से ही मुनि हूँ, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रहा था, मैं केवल साधारण मुनि नहीं हूँ, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और बहुत गुस्से वाला हूँ, बहुत क्रोधी स्वभाव वाला हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भुजबल भूमि भूप बिनुकिनी, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को कितनी ही बार राजाओं से विहीन कर दिया है, बच्चों यहाँ पे भी देखो बाल ब्रह्मचारी बालक बोली बधो ब, ठीक है, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार आ रहा है, अनुप्रास अलंकार आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को न जाने कितनी ही बार राजाओं से विहीन कर दिया, विपुल बार महिदेवन दीनी, यहाँ पर महिदेवन कौन है, भगवान शिव,
और उनमें कितनी ही बार मैंने शिव जी को अर्पित कर दिया, मैंने जितनी बार राजाओं से विहीन इस पृथ्वी को किया है उतनी ही बार मैंने महादेव को वो दी है। सहस बाहु छेद निहारा कि मेरा जो फरसा है या मैं जो हूँ सहस बाहु की हजारों बाहों को छेदने वाली हूँ, यानी मेरी भुजाओं ने जो की है क्या किया है, सहस बाहु नाम का एक राजा था जिसकी हजारों भुजाएं थी, उन भुजाओं को काट करके उसको मृत्यु के घाट उतारा था। पर विलोक वही भुकमारा कि इस चीज को तुम नहीं जानते हे राजा के बालक, क्या तुम नहीं जानते कि मेरी भुजाओं में इतना बल है कि सहस्र बाहु की सहस्र भुजाओं को छेदने वाले है। माँ पिता जन सोच बस कि तू अपने माता पिता के बारे में तो सोच, किसे कह रही है, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं परशुराम जी। कर इस महिष किशोर कि तू अपने कारण अपने माता पिता को दुख क्यों दे रहा है। गर्भन के अर्भक दलन पर्स मोर अति घोर, अब यहाँ पर अपने फरसे की विशेषता बता रहे हैं कि मेरा फरसा इतना घोर है, इतना कठोर है कि गर्भन के अर्भक यानी गर्भ में पलने वाले शिशुओं का भी मृत्यु हो जाती है, वो भी नष्ट हो जाते हैं मेरे इस फरसे के डर के कारण। लक्ष्मण जी से कहने पर श्रीराम जी की मेरा फरसा जो है इतना कठोर है, इतना कुटिल है, मेरा स्वभाव इतना कठोर है, इतना क्रोधी है कि वो सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं का विनाश करने वाला है। मैंने न जाने कितनी ही बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया और न जाने कितनी बार मैंने भोले शंकर को उसको अर्पित किया है। तो अपनी विशेषताओं का बखान कर रहे हैं यहाँ पर कौन, परशुराम जी। अब बिहर से लखन बोले मृदुबानी, ये सब सुनकर के लक्ष्मण हंसे और क्या बोलते हैं, अहो मुनि महाप्रतिमानी, हे मुनि आप तो महान योद्धा है, आपके बारे में कौन नहीं जानता। पुनी पुनी मोई दिखाओ कुठारा कि आप बार बार मुझे कुठारा दिखा रहे हैं, बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। चाहे तो उड़ाओ और फूंक पहाड़ कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी उनपे व्यंग कर रहे हैं। यहाँ कुम्भड़ बतिया कौन आए कि यहाँ पर भी कुम्भड़ बतिया कोई नहीं है। यहाँ पर कुम्भड़ बतिया का मतलब है छुई हुई का पौधा, जिसको छूते ही वो मुरझा जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई छुई हुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी डर जाए कि जो तर्जनी उंगली को देख करके सिकुड़ जाएगा, डर जाएगा कि यहाँ पर कोई छुई हुई का पौधा नहीं है। देख कुठार सरासन माना कि मैंने आपके हाथ में क्या क्या देखा है, कुठार यानी फरसा देखा है, सरासन यानी धनुष देखा है और बाण भी देखा है। मैंने आपके पास फरसा भी देखा है, धनुष भी देखा है और बाण भी देखा है। मैं फिर चुका सहित भवानी और इनको देख करके अगर उन्होंने अभिमान वश आपसे कह दिया है भृगुपुत समझ जनेऊ मिलो की मैं, लेकिन आप तो क्या निकले भृगुकुल के पुत्र, भृगुकुल के पोते थे परशुराम जी, ठीक है। तो मैंने आपको भृगुपुत भृगुसूत समझ करके जनेऊ धारण कर रखा है आपने, तो मैं इस वेश में आप मुझे क्या लग रहे हो, ब्राह्मण लग रहे हो। हमने कुल इन पर न सुनाई सॉरी जो कुछ गाँव सहेरे से रोकी, और आपने जो कुछ भी कहा है उसको सबको मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। अब यहाँ पर इन पंक्तियों का मतलब क्या है कि परशुराम जी ने जो आभूषण धारण कर रखे हैं, आभूषण के रूप में उनके पास जो शस्त्र है वो कौन कौन से, फरसा है, बाण है, धनुष है, तो इन सबको देख करके लक्ष्मण जी ने उनसे अपमान सूचक जो शब्द कहे, उन शब्दों के बारे में वो कह रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा कुछ कह दिया है तो मैंने आपकी वेशभूषा को देख रखा है, लेकिन अब मुझे पता पड़ा है कि आप कौन है, भृगुकुल ऋषि के होते हैं और आपने जनेऊ धारण कर रखा है, इस स्थिति में तो आप ब्राह्मण हुए और मैंने ब्राह्मण समझ करके आपको अपने क्रोध को रोक रखा है। सुर महिसुर हरिजन अलगाए, सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, भगवान हरि के भक्त और गाय। हमने कुल इन पर न सुनाई, हमने कुल में इनके ऊपर जो बल है उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता, ठीक है। बधे पाप अपकीर्ति हारे कि अगर इनका वध करते हैं तो पाप मिलता है और अगर छोड़ देते हैं तो अपयश मिलता है। मारता परे तुम्हारे कि आप चाहे मारो चाहे छोड़ो, हम पड़ेंगे तो आपके चरणों में, क्यों, क्योंकि एक तो आप ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना हमारे कुल में अपयश गलत माना गया है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा कि करोड़ों फरसों के समान तो आपके कठोर वचन ही है। व्यर्थ धरो धनुबाण कुठारा, आपने ये धनुष बाण कुठारा तो व्यर्थ धारण कर रखे, आपके जो वचन है वही करोड़ों कठोरों के समान है। जो बिलो के अनुचित गेहूं अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है, क्षमा महामुनि भीम की धैर्य धारण कर लिया और मुझे क्षमा कीजिए। सुनिए सरोज भ्रघुवंश मनी बोले गिरा कबीर, लक्ष्मण जी के ऐसे व्यंग्य वाणी सुन करके, ऐसी कठोर वाणी सुन करके भगवान जो भ्रघुवंश मणि, भ्रघुवंश मणि यानी कि भ्रघुवंश
वर्ष के जो मणि है कौन परशुराम जी को गुस्सा होकर के बोले और गंभीर स्वर में बोले, क्या बोले? एक मिनट देखो, यहाँ पर पुनी और पुनी समान शब्दों की आवृत्ति हो रही है। जहां पर समान शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मतलब पुनरुक्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है वर्ड का, और दोनों का मीनिंग जो होता है एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, कुम्हड़बतिया, कुम्हड़बतिया का मतलब कि सूर्यमुखी का पौधा होना, और यहाँ कुम्हड़बतिया क्या है? देशज शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं। बालक समझ करके इसे बहुत बचाने का प्रयास किया, अब यह
अब ये अपने कटु वचनों के कारण मृत्यु के मृत्यु को वरण करने वाला हो गया है, ये मरने लायक हो गया है। छवि अपराध वहां पर जो विश्वामित्र जी बैठे हैं उन्होंने परशुराम जी के क्रोध को शांत करते हुए बोला कि क्षमा कीजिए, इसके अपराधों को क्षमा कीजिए। बाल दोष तो निंदनीय न साधु, कि बालकों के गुण और दोष को साधु नहीं गिनते। स्वर्ग उठार में अकल अनुभवी कि इसके जो वचन है वो किसके समान। अब यहाँ पर कौन कह रहा है, परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि एक तो इसके जो वचन है वो कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर है। मैं अगर उनको ही दूसरा, मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मेरा फरसा भी तेज है, मेरे गुस्सा भी तेज है, और ये जो वचन बोल रहा है ये और भी कठोर वचन बोल रहा है। आगे अपराधी गुरु द्रोह, एक तो ये कठोर वचन बोलने के कारण अपराधी है, दूसरा ये गुरु जी का द्रोही है, अर्थात भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला गुरु द्रोही है। गुरु जी कौन, शिव जी किसके, परशुराम जी के। तो परशुराम जी के गुरु शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले जो राम जी है उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी उनके द्रोही हो गए, दुश्मन हो गए। उत्तर देख छोड़े बिन मारे, और ये उत्तर पे उत्तर दे जा रहा है फिर भी मैं इसे छोड़ दूं, अगर मैं इसे बिना मारे छोड़ देता केवल कौशिक सील तुम्हारे तो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न तो एक काट कुठर कठोरा, नहीं तो मैं अपने कठोर कुठारे से इसको काट देता। गुरही उदिन होते हूँ श्रम थोड़ा, और अपने गुरु जी के ऋण से भी मैं उदिन हो जाता। गाजी सुनो के हृदय हसी, गाजी सुनो यहाँ पर विश्वामित्र जी के आया है, गाजी जी के पुत्र थे, ठीक है। तो गाजी सुनो का हृदय हसी, गाजी सुनो यानी विश्वामित्र जो है ऐसा सुनकर के मन में हंस रहे। मुनि हरि हरि सूझ, और मन में कह रहे हैं कि इस मुनि को यानी परशुराम जी को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। आय वे खांड ना उख में, अजब न बूझ अबूझ, आय वे यानी कि लोहा। वो कह रहे हैं कि इनके सामने जो राजकुमार है, राजकुमार कौन है यहाँ पे, राम और लक्ष्मण। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो राजकुमार है ये इनको क्या लग रहे हैं, गन्ने से बनी हुई खांड लग रहे हैं, जो कि है क्या, ये आय वे से यानी लोहे से बने हुए खांडे, खाना यानी कि तलवार खा जाता है। तो अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि ये परशुराम जी को तो क्या लग रहा है कि राम और लक्ष्मण साधारण मनुष्य लग रहे हैं, साधारण मनुष्य यहाँ पर गन्ने के रस से बताया गया है, और आय वे खांड लोहे से बनी हुई तलवार किसको बताया गया है, लक्ष्मण और राम जी को बताया गया। तो अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि इनको ये नहीं पता कि गन्ने से बनी हुई साधारण खांड नहीं बल्कि लोहे से बनी हुई क्या है, तलवारें हैं, जिनका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। जो गुरु दक्षिणा है उससे भी वो मुक्ति पाना चाहते हैं। सो जनो हमरे
माथे पर आओ, तो वो भी आपने हमारे माथे कर दिया। यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप जो गुरु जी के ऋण से ऊरण होना चाहते हो वो आपने हमारे माथे पर दिया, हमारे द्वारा ही तुम उस ऋण से ऊरण होना चाहते हो। दिन चले गए, ब्याज बढ़ भाड़ा कि बहुत दिन बीत गए, लगता है उनके ऊपर ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आर्य ब्यो हरिया बोली कि एक काम करो, आप किसी है ना लेन देन करने वाले को बुला लाओ। तुरंत देव मैं थैली खोली और मैं थैली खोल देता हूँ अपनी, ताकि आपका जो हिसाब किताब है गुरु जी के ऋण का वो पूरा कर सकूं। सुनी कटु वचन कुमार कुठार सुधारा, और लक्ष्मण जी के ऐसे कटु वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना कुठारे को सुधारा, अपने फरसे को सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारी, और परशुराम जी के ऐसे व्यवहार को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय करने लगे। रघुवर परसु दिखा वे हुई। अब यहाँ पर फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे रघुवर आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, विप्र विचार बचाओ लुट दोगी कि मैं आपको ब्राह्मण जान करके आपका व्रत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपका द्रोह नहीं कर रहा हूँ। मिले न कहो सुबट रणगाड़े कि आपको कभी भी रण में लड़ने वाले वीर योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घरे के भाड़े, हे द्विज देवता आप तो अपने घर के शेर है, कहते हैं ना घर का घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो यहाँ पर वही वाली कहावत आई है कि जो परशुराम जी है वो अपने घर में ही योद्धा बने हुए फिरते हैं, आपका पाला किसी शूरवीर योद्धा से नहीं पड़ा है, इसलिए आप बहुत अपने आप को वीर समझ रहे हो। अर्जुन कहे सब लोग पुकारा, और लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर के सभा में जितने भी लोग थे वो सब कहने लगे कि ये आप अनुचित कह रहे हैं, अनुचित है ये सब। रघुपति सहने लख निवारे, और ऐसा होने पर राम जी ने टेढ़े नेत्रों से लक्ष्मण जी को देखा और उन्हें चुप रहने का संकेत किया। लखन उधर आहुति सरिस भृगुपुर कोप ग्रसानु, लक्ष्मण के जो पुत्र थे वो भृगुवंश मणि के क्रोध में आहुति का कार्य कर रहे थे, परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। भरत देख जरसम वचन, और ऐसा बढ़ते हुए क्रोध को देखते हुए राम जी ने उनको शीतल जल के समान शीतल शब्द कहे। बोले रघुकुल भानु, रघुकुल भानु यानी सूर्य वंश के जो भानु हैं कौन, श्री राम जी, वो परशुराम जी के क्रोध को शीतल करते हुए जल के समान शब्द बोले। ये हमारा तुलसीदास जी था। इसके आगे क्या होता है, परशुराम जी राम और लक्ष्मण की शक्ति का परीक्षण करते हैं, और उनका परीक्षण करने के बाद में जो परशुराम जी के पास में सारंग नाम धनुष होता है वो उन्हें भेंट करते हैं, और उनका जो अहंकार होता है वो राम जी हर लेते हैं, और वो उनकी परिक्रमा करके वन को चले जाते हैं, और अपने आप को धीर मुनि जो है तपस्या करके अपने आप को धीरता धारण करने वाला मुनि कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तुलसीदास हुआ। बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तुलसीदास जी के पद्य से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में आके लिखिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा।